मायावती जी, सतीश चंद्र मिश्रा एंड कंपनी और आनंद कुमार जी के द्वारा लगाए जाएंगे। मैं उनका तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ जवाब दूंगा। और कल मैंने तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ आप लोगों के माध्यम से जवाब दिया। आप लोगों ने सही बात दिखाई, छापा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कल जो पीसी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मायावती जी ने की और उसमें जो भी बातें रखी, जो सारी की सारी झूठ फरेब के साथ साथ साजिश से भरी हुई बातें रखी, उनका मैं जवाब दूं। उससे पहले मैं बता दूं कि जैसा आपको पता है कि श्री दयाशंकर सिंह का एक प्रकरण चल रहा है, FIR दर्ज हुई थी दयाशंकर जी के खिलाफ भी, मेरे खिलाफ भी और दूसरे लोगों के खिलाफ। उसमें मैं आज हजरतगंज कोतवाली में बुलाए जाने पर कानून के तहत अपना बयान दर्ज करा के आया हूं। जहां तक मायावती जी द्वारा कल मुझे ये कहा गया कि मैं टेपिंग बेल ब्लैकमेलर हूं, मायावती जी ने मानवर श्री कांशीराम जी के समय से आज तक हजारों BSP मिशन के लोगों को प्रताड़ित करके, झूठे आरोप लगाकर, अपमानित करके पार्टी से निकाल दिया। और अगर जो नहीं निकले, इतना उनको प्रताड़ित किया कि वो पार्टी छोड़ के चले गए। जिनको निकाला गया उनमें कुछ लोगों, हजारों को निकाला, उनमें जैसे श्री राज बहादुर, स्वर्गीय जंग बहादुर पटेल, ये सब प्रदेश अध्यक्ष थे, स्वर्गीय राम लखन वर्मा ये मंत्री थे, स्वर्गीय भागवत पाल, स्वर्गीय सोनीलाल पटेल, स्वर्गीय बरखू राम वर्मा, स्वर्गीय दीवान रघुनाथ सिंह लोधी, माननीय रामाधीन बाबू जी, एक बरैया फूल सिंह बरैया थे मध्य प्रदेश के, वो भी हैं, श्री RK चौधरी, श्री बाबू सिंह कुशवाहा, श्री जुगुल किशोर, श्री ब्रजलाल खाबड़ी, श्री बलिहारी बाबू आदि सहित हजारों लोगों को पार्टी से निकाल दिया। इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया, इसके बाद निकाल दिया। कुछ लोग जो ज्यादा प्रताड़ित हो गए उनमें से पार्टी छोड़ के चले गए, जैसे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक वगैरह वगैरह। और एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से मुखातिब है, फोन टेपिंग जिसमें किसी को मैंने ब्लैकमेल किया हो, इनके पास या इनके चेलों के पास अगर है तो वो सामने लाए रखें। कल मैंने कहा ब्लैकमेल किया? यदि अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को मायावती जी की साजिश थी कि वह मेरा व मेरे परिवार का एक एक पैसा, मेरी व मेरे परिवार की सारी चल अचल संपत्ति मुझसे व मेरे बीवी बच्चों से लेकर मुझे जबरन सादे कागज में मुझसे दस्तखत कराना, इस तमाम पेपरों व फर्जी दस्तावेजों में मुझसे जबरन को ब्लैकमेल करना, अधिकारियों को ब्लैकमेल करना, विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को ब्लैकमेल करना, इसके अलावा तो मैंने देखा ही नहीं। आपसे बड़ा ब्लैकमेलर तो कोई, पेपरों व फर्जी दस्तावेजों में मुझसे जबरन को ब्लैकमेल करना, अधिकारियों को ब्लैकमेल करना, विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को ब्लैकमेल करना,
इसके अलावा तो मैंने देखा ही नहीं, आपसे बड़ा ब्लैकमेलर तो कोई है ही नहीं। आप लोगों ने टेप में देखा, हाँ भाई वो काम जरूर करके लाना, वो देर हो रही है उसको जल्दी करना। और कहती है कि टेप में कार छांट की गई है। कल एबीपी न्यूज को मैं देख रहा था, उसमें एक साथ बैठे हुए थे, वो टेप की उसकी ऑडियो की जांच कर रहे थे, उन्होंने कहा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। उसके बावजूद भी जिस एजेंसी से चाहे उससे जांच करा लो, अगर एक रत्ती भर उसमें छेड़छाड़ साबित होगा तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अपने आप को बचाने के लिए हमेशा नई नई कहानी करती, हमेशा नई नई कहानी करती है और नई नई बात करती है कि उसमें छेड़छाड़ की गई। आपको क्या पता कैसे छेड़छाड़ की गई? आपको पता है आप कितना बोली थी और कितना उसमें है, कैसे छेड़छाड़ हुई? अभी इन्होंने कल एक बात दूसरी कही कि सदस्यता का पैसा जो है वहां से ले आए पश्चिम उत्तर प्रदेश से और यहां नहीं जमा किया। मायावती जी ने प्रेस में कहा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ब्लैकमेलर है। अगर इनको ये पता था, और कह रही है मुझे किसने बताया, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों ने बताया। कब बताया? मुझे पार्टी से निकालने से पहले बताया। अगर मैं टेप ब्लैकमेलर था तो पार्टी से जब निकाला गया तो मेरे पर ऊपर सतीश चंद्र मिश्रा ने कई आरोप लगाए, तो ये टेप ब्लैकमेलर का क्यों नहीं आरोप लगाया? अगर आपको मालूम था कि टेप ब्लैकमेलर हूं मैं सदस्यता खा गया हूं, तो आपने सदस्यता खाने का भी आरोप क्यों नहीं लगवाया? आप लगाती, सतीश चंद्र मिश्रा जी लगाते। जब मेरा ऑडियो टेप जारी हो गया तो मैं टेप ब्लैकमेलर भी हो गया, सदस्यता खाने वाला भी हो गया। उससे पहले मैं कुछ नहीं था। आप उसी ऑडियो में देखे, आपके पास है। मैं खुद भी कह रहा हूं कि बहन जी अगर एक पैसा भी मैंने पार्टी से लिया हो, सदस्यता क्या किसी का, तो मुझे आप बताएं। तो कहती है आपकी बात अलहदा है, आप उठा के देख लें उसमें। कहती है आपकी बात अलहदा है, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं। क्या मतलब? मेरी बात अलहदा है, अब मेरी बात आ गई कि मैंने सदस्यता का पैसा खा लिया। क्या सबूत है आपके पास? मैंने सदस्यता का पैसा खा लिया, ये क्या आपका साथ नहीं है? ये मनगढ़ंत नहीं? मैं उसका भी आज ऑडियो जारी करूंगा कि कितना क्या कहा पैसा, किसने कहा बकाया है कि नहीं बकाया है, मैं प्रमाण दूंगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था पहले पहले ये चलती रहेंगी, पीछे पीछे मैं इनका जवाब देता रहूंगा। हर चीज का जवाब मेरे पास है, मैं जानता था ये किस हद तक जा सकती है। और जितना मैं इनको जानता हूं, इनके यहां का कोई नहीं जान सकता, ना पार्टी का ना इनके परिवार का। इन्होंने कहा, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने आरोप लगाए तो फिर नहीं कहा कि सदस्यता बकाया है, फोन टेपिंग करता था, ये करता था, ये जब मैंने फोन ऑडियो जारी कर दिया तो सब पता चल गया इनको। कल मैंने मीडिया में जो जारी किया, जैसा मैंने कहा, इन्होंने स्वीकारा मायावती जी ने कि आपकी बात अलहदा है, आपके ऊपर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं बहन जी, मैं बेच के सारी प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा, जैसा आपका आदेश है। ठीक है आगे बढ़ जाओगे। अरे वार, इसके साथ साथ इन्होंने उस टेप में चार विधानसभा सीटों का जिक्र किया। कौन कौन से थे? एक सिवाल खास था, एक मोदी नगर था, एक लोनी था और एक साहिबाबाद था, अमरपाल शर्मा वाली सीट जिसको कह रहे थे। चारों कैंडिडेट यहां बैठे हुए थे कल। चारों ने कहा कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, बार बार हाथ जोड़ के खड़े हो रहे थे, और आप जब कहेंगे तब मैं फिर खड़ा कर दूंगा। इसके अलावा भी उन्होंने खुद ही नहीं बताया कहीं का पैसा बकाया है। इसके बाद इन्होंने नहीं बताया
और फिर अरे ये बताओ भी कितनी सदस्यता होती है, लाखों में है, करोड़ों में है, हजारों में, एक विधानसभा की कितनी सदस्यता है और सदस्यता है क्या दुनिया जानती है? क्या सदस्यता के आधार पर ये कह रही है वो अपनी बिरादरी का मुस्लिम समाज का वो बनाएगा सदस्यता भी मैं टिकट दूंगी? अरे सदस्यता टिकट देने का आधार हो सकता है? क्या सदस्यता जबरदस्ती ली जाती, जबरन किया जाता है, या सदस्यता स्वेच्छा से बनाई जाती है? ये इनकी दादागिरी नहीं है कि भाई सदस्य बनाना पड़ेगा इतनी? आज मैं उसका भी प्रमाण दूंगा जो इन्होंने कहा कि आपको प्रदेश कार्यालय में सदस्यता जमा करा करके बेबाक करना चाहिए था सारा कुछ। आज मैं उसका भी ऑडियो अभी, क्योंकि उन्होंने प्रदेश कार्यालय का नाम लिया था कि वहां जमा करना चाहिए। इनका तो कल आ गया था कि कोई नहीं आपकी बात अलहदा है। प्रदेश कार्यालय का मैं ऑडियो अभी आपके सामने बाद में जारी करूंगा। इन्होंने कहा मैंने रिकॉर्ड देखा है। रिकॉर्ड कहां होता है? और जहां रिकॉर्ड होता है वहां का प्रमाण मैं आपके बीच में रखूंगा, लेकिन जो बातें इन्होंने कल अपनी पीसी में कहा है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। उन्होंने कहा कि इनके बेटे को फतेहपुर से टिकट दिया और बुरी तरीके से हार गया। बुरी तरीके से हार गया। माजी सांसद जी को कल नहीं थे, आज मैंने बुलाया, सालिम अंसारी साहब बैठे थे। कल अच्छे लाल निषाद जी थे, दोनों के सामने बुला करके मुझसे कहा कि फतेहपुर में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वहां मुस्लिम लड़ाना है। प्रदेश कार्यालय का मैं ऑडियो अभी आपके सामने बाद में जारी करूंगा। इन्होंने कहा मैंने रिकॉर्ड देखा है। रिकॉर्ड कहां होता है? और जहां रिकॉर्ड होता है वहां का प्रमाण मैं आपके बीच में रखूंगा, लेकिन जो बातें इन्होंने कल अपनी पीसी में कहा है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। इन्होंने कहा कि इनके बेटे को फतेहपुर से टिकट दिया और बुरी तरीके से हार गया। बुरी तरीके से हार गया। माजी सांसद जी को कल नहीं थे, आज मैंने बुलाया, सालिम अंसारी साहब बैठे थे। कल अच्छे लाल निषाद जी थे, दोनों के सामने बुला करके मुझसे कहा कि फतेहपुर में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वहां मुस्लिम लड़ाना है, अपने बेटे को लड़ा दो। मैंने कहा बहन जी फतेहपुर में हमने कभी काम नहीं किया। उन्होंने इनसे कहा, सालिम साहब बैठे हुए हैं, कि भाई इनको समझाओ अपने बेटे को वहां लड़ा दे, पार्टी हित में है। मैंने कहा पार्टी हित में है तो मैं अंडमान निकोबार में लड़ा दूंगा। इसके बाद कहने लगी कि लेकिन शर्त यह है कि तुम वहां पर इसको चुनाव लड़ाने के लिए नहीं जाओगे, डेरा नहीं डालोगे, एक आध दो प्रोग्राम लगा दोगे, वरना दूसरे क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा खुद कहने लगा कि मैं कभी नहीं गया, मैं क्या करूं। मैंने कहा बहन जी का आदेश है और वो कह रही है कि पार्टी हित में जाओ। ये वहां गया चुनाव लड़ा। जब हम चुनाव जीते थे, एमपी बने थे, तो 2 लाख वोट में जीत गए थे। मेरे बेटे को 3 लाख के लग 3 लाख से ज्यादा शायद मुझे 3 लाख से ज्यादा वोट मिले, दूसरे नंबर पे आया। जब हम जीते उससे लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। और कह रही है बुरी तरीके से हार गए, अपने बेटे को नहीं जिता पाए। अरे भाई मैं वहां जाके लड़ाता तो फिर कोई और बात थी, तुमने मुझे जाने से वहां रोक दिया। मैं अपने बेटे को नहीं जिता पाया 2014 में, तुमने कितने जिता लिए? मायावती जी आपने कितने जिता लिए? 1 लाख वोट ज्यादा मिलता है, दूसरे नंबर पे आता है, सपा तीसरे पे जाती है, कांग्रेस चौथे पे जाती है, कहती बुरी तरीके से हार गया, जबरदस्ती लड़ाती है, पार्टी हित में लड़ाती है। इसके बाद मेरी कुंडली खोलना शुरू की
अरे भाई मेरी कुंडली जो आपके बहुत सही सही है उसको बताओ ना, कहती है 1990 में कलपीसी ने कहा इन्होंने 1990 में मैं नगर पालिका बांदा से चेयरमैन का चुनाव लड़ा था, निर्दलीय और बुरी तरीके से हार गया। पूरा प्रेस मीडिया बैठा है, डंके की चोट पे चैलेंज के साथ कहता हूं मैं इनको चैलेंज देता हूं, सारे रिकॉर्ड चुनाव आयोग में है। 1990 में उत्तर प्रदेश में या बांदा में नगर पालिका का कोई चुनाव हुआ ही नहीं। अरे तुम चार बार मुख्यमंत्री रही हो वो अलग बात है कि डूबती हुई पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पता तो कर लो, इतिहास भूगोल का पता कर लो। परवेश भाई बैठे हैं सब मालूम है कब कब चुनाव हुआ है, बांदा के हैं, 90 में चुनाव नहीं हुआ, मैं लड़ गया। आज मैं कहता हूं मायावती जी से कि अगर 90 में चुनाव हुआ होगा मेरे लड़ने हारने जीतने तो छोड़ दो, अगर 90 में नगर पालिका का बाई इलेक्शन ही सही बांदा का हुआ होगा जनरल या बाई इलेक्शन तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, वरना मायावती जी आपके अंदर जरा भी नैतिकता है तो आप राजनीति से संन्यास ले लो, गुमराह मत करो। कांशीराम साहब के मिशन को तो घोल के आप पी गई, देख डाला बर्बाद कर दिया, सतीश चंद्र मिश्रा जी के एंड कंपनी के इशारे में बर्बाद कर दिया आपने, आप बेबुनियाद झूठे आरोप लगा रही हो। फिर कहती है 1991 में हमने यानी मुझे इन्होंने बांदा विधानसभा सीट से एमएलए लड़ाया और जिताया, बहुत बहादुर हो भाई, लड़ाया और जिताया, खुद लड़ रही थी 1991 में विधानसभा और लोकसभा का एक साथ चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का और देश का, खुद लड़ रही थी बिजनौर से पार्लियामेंट का, वहां से बुरी तरीके से हार गई, मुझे जिता दिया उन्होंने, अरे बहादुर, खुद नहीं जीती, मुझे जिताने बांदा पहुंची, मैं इनको तब तक जानता ही नहीं था, मैं एमएलए बनने के बाद इनको जाना, मैं तो मानवर कांशीराम साहब को जानता था। फिर क्या कहती है कि जब 1991 में मैं एमएलए जीत गया तो मैंने कोई काम नहीं किया बांदा में तो लोग मुझसे नाराज हो गए और 1993 में मैं बुरी तरीके से हार गया, चुनाव आयोग में रिकॉर्ड है। जब 1991 में मैं एमएलए जीता तो मुझे 22,900 वोट मिले और लगभग मैं 2900 वोट से एमएलए जीत गया और 1993 में जब मैं एमएलए का चुनाव लड़ा तो मुझे 44,444 वोट मिले और मैं 198 वोट से हरा दिया गया, 1200 वोट मेरे इनवैलिड कर दिए गए, बैलेट पेपर था, और ये खुद चिल्ला चिल्ला के कहती रही कि 198 वोट से इसको हरा दिया गया, मैं बुरी तरीके से हार गया 198 वोट में। तुम कब कब हारी हो, 1989 में तुम एमपी बनी धोखा दे करके बिजनौर से और 1.5 साल तक खूब ठगा, लोकसभा में प्रश्न करने के भी पैसे ले लिए, विकास के नाम के पैसे ले लिए, काम कराने के नाम पे पैसे ले लिए, थाने के नाम पे पैसे ले लिए, 1.5 साल बाद ही सत्ता लगभग 89 से जब 91 में 1.5 साल 1.25 साल हुए थे, कितना 1.25 साल थे शायद, 1.25 साल में तुम्हारी बुरी गत हो गई और तुम हार गई। मैं तो एक बार हारा और तुम कितनी बार हारी, तुम सबसे पहले हरिद्वार से हारी पार्लियामेंट का चुनाव, फिर सहारनपुर से हारी, फिर बिजनौर से 2 बार हारी, इसके बाद 1992 में बुलंदशहर से बाई इलेक्शन लड़ गई। मानवर कांशीराम साहब 1992 में बाई इलेक्शन इटावा से लड़ रहे थे जनरल सीट से,
ये बुलंदशहर से लड़ गई, तब शायद बुलंदशहर भी जंगल थी। मानवर कांशी राम साहब 1992 में बाई इलेक्शन इटावा से लड़ रहे थे जनरल सीट से, ये बुलंदशहर से लड़ गई, तब शायद बुलंदशहर भी जनरल सीट से। मुझे इटावा में लगा दिया गया, मैं एमएलए था। बुलंदशहर में मुसलमान वोट ज्यादा है, इटावा में मुसलमान वोट कम है। मैं जी जान से लग गया मानवर कांशी राम साहब के चुनाव में, और मानवर कांशी राम साहब को इटावा से एमपी बना करके पहली बार जिता करके भेजने का काम मैंने किया। इनके यहां नहीं गया, ये हारी भर नहीं, इन्होंने जम के गुंडागर्दी की, गिरफ्तार हो गई, एनएसए लगा दिया गया, जेल चली गई। इनके चक्कर में उस समय के एक एमपी थे हरभजन लाखा, उनको मार मार के हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनको भी इन्होंने बाद में पार्टी से निकाल दिया, एनएसए लगा दिया गया। वारे आयरन लेडी, विश्व की 8 महिलाओं में से एक, क्या कहने भाई, ये रिकॉर्ड है, मेरे कहने से नहीं हो रहा है। और उस समय भी मैंने विधानसभा की कार्रवाई रोक करके इनसे एनएसए खत्म करने के लिए सरकार से मैंने सरकार को बार बार घेरा, बाद में इनका एनएसए खत्म हुआ। कितनी बार हारोगी? और जब मानवर कांशीराम साहब के क्षेत्र में मैं लगा, कांशीराम साहब जीत गए, मैं भर नहीं लगा, बहुत सारे लोग लगे, उनमें से मैं भी एक हूं। रात दिन एक कर लिया, इससे पहले ये एक बार जीती थी, फिर बिजनौर हारती रही। इसके बाद कांशीराम साहब ने कहा, मेरे बारे में कहा कि इनको अपने यहां लेकर के जाओ, अपने उसमें लगाओ। तब फिर मैं इनके चुनाव में लगा। जितने एमएलए ये लड़ी, चाहे हरोला से लड़ी हो, चाहे बिरसी से लड़ी हो, चाहे जहांगीर जी से लड़ी हो, चाहे अंबेडकर नगर से एमपी लड़ी हो, जब से मैं लगा इनके चुनाव में, एक भी चुनाव नहीं हारी जब से मैं इनका प्रभारी बना। कहने की बात सब जानते हैं, अंबेडकर नगर का एक एक प्रेस मीडिया का और दूसरे बंधु भी जानते हैं। बीसी वाले आज याद करते हैं, हरोड़ा वाले आज याद करते हैं, अंबेडकर नगर के जहांगीर जमशी एमएलए लड़ी थी, 2 बार एमपी लड़ी। इसके बाद फिर हिम्मत नहीं कर पाई, राज्यसभा में जाने लगी। कहती अपने बेटे को नहीं जिता पाए, तुम तो एक भी 2014 में नहीं जिता पाए। अरे इतनी ही बहादुर हो तो एमएलए एमपी के चुनाव बाद में आएगा। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं है तुम्हारे साथ, कोई नगर पालिका और नगर निगम का वार्ड का ही एक चुनाव जीत करके दिखा दो मायावती जी, मैं आपको बहादुर मानूंगा। नहीं जीत सकती हो तुम, राज्यसभा के ख्वाब तो छोड़ दो, एमएलए एमपी के छोड़ दो, नगर पालिका का वार्ड का जीत के बता दो। सारी जिंदगी आपके साथ लगा दी। कल कह रही थी, मुझे बहुत हंसी आई, वैसे उनका चेहरा जब देखा, हवाइयां उड़ रही थी, पसीने आ रहे थे। कभी आपको कहती नहीं है कि आपको कष्ट हुआ, प्रेस वालों को घास नहीं डालती, उठ के चल देती है, कल बड़ा घास डाल रही थी। अनपूरक प्रश्न का जवाब दे रही थी, नहीं तो क्या होता है, मैं जानता हूं, मैं तो कई बार प्रश्न रहा हूं आपके साथ। वो चली जाती थी, हम ही आपके साथ खड़े होते थे, और आज भी खड़े हैं, खड़े भी रहेंगे। कहती क्या है, मुझे बड़ी हंसी आई कि कांशीराम साहब ने भी मेरे बारे में, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कहा था कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसको आगे न बढ़ाना। अरे कुछ सोच लो महारानी जी, कहने से पहले कांशीराम साहब 2003 में कोमा में चले गए, 2006 में उनका स्वर्गवास हो गया। कांशीराम साहब जैसे महापुरुष की बराबरी करते हो, जिंदगी भर उनके पैर धो धो के भी पियोगी तो उनके पसंगा नहीं बन सकती हो।
बर्बाद करने में लगी उनका मिशन। कैजू नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उन्होंने कहा था ये ठीक आदमी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो कांशीराम साहब करते कहते थे उसके विपरीत आप चलती थी। अगर कांशीराम साहब ने कहा नसीमुद्दीन ठीक आदमी नहीं, इसको आगे मत बढ़ाना, तो जब तक कांशीराम साहब जिंदा रहे तब तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रांतीय महासचिव रहा, और उनके इंतकाल के स्वर्गवास के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को राष्ट्रीय महासचिव क्यों बना दिया भाई? क्यों विपरीत जा रही हो मानवर कांशीराम साहब के आदेश के? जितनी बार भी अब की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मंत्री किसको बनाया? चौपट कर दिया, चौपट कर दिया। और आज मेरा पार्टी के बाहर जाने के बाद भी उस मिशन में मैंने काम किया है। मैं जानता हूं कि उल्टा लेंगी, वो उल्टा जवाब देंगी, लेकिन अगर जरा सा भी है उनके आगे पीछे तो जो भी कोऑर्डिनेटर हो वो तो सब वो ना, उसके तो आप तारीफ के कल कसीदे पढ़ रही थी, जिंदगी भर कसीदे पढ़ते हो। कहती उनके दो दो बहन है सतीश चंद मिश्रा के, मुझे बहन से ज्यादा मानते हैं। कांशीराम साहब ने कहा था कि इसको दूर रखना, ये तबाह कर देगा, ये बर्बाद कर देगा, मिशन चौपट हो जाएगा। हाँ, जो है मिशन चौपट कर दिया सतीश चंद मिश्रा ने। मेरी बराबरी क्या कर रही? मैं तो किसी ने अपनी बराबरी करता ही नहीं। चौपट कर दिया, चौपट कर दिया। और आज मेरा पार्टी के बाहर जाने के बाद भी उस मिशन में मैंने काम किया है। मैं जानता हूं कि उल्टा लेंगी, वो उल्टा जवाब देंगी, लेकिन अगर जरा सा भी है उनके आगे पीछे तो जो भी कोऑर्डिनेटर हो वो तो सब वो, चाहे जितना गलत कहें जी बहन जी, और उसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि अभी कई लोगों के नंबर हैं, अभी देखिए बारी बारी से सब कहां जाते हैं, देखते जाइए, उनको मैं सब जानता हूं। लेकिन जो गांव देहात में मिशनरी वर्कर रहता है, पोलिंग बूथ में, शहरों में, देहात में, गांव में, वार्ड में, मोहल्लों में जो रहता है, जो मिशनरी वर्कर रहता है, अरे भाई उसकी लाज बचा लो कम से कम। इस सतीश चंद मिश्रा से उनकी जान बचा लो। अब तबाह कर दिया उसने, आखिरी सांस चल रही है, वेंटिलेटर पर है पार्टी, आखिरी सांस चल रही है। अब इन्होंने कल कह दिया कि मेरे कोई बेटी नहीं थी। तुम क्या जानो औलाद क्या होती है? बेटी मैंने खोई है। आज वो डॉक्टर जिंदा है जिसके हाथों से वो बच्ची पैदा हुई थी। हजारों लोग बांदा से फोन कर रहे हैं कि हम हलफनामा देने को तैयार हैं कि हमारे सामने पैदा हुई थी। यानी किसी की कोई कुर्बानी नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास हजारों लोग हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारा तो एक ही काम है ना कि इसके नाम पे, उसके नाम पे ये लोगों ने पैसा वसूलो, मेंबरशिप का नाम लो, कैसे भी हो। अरे मेंबरशिप के नाम पे एफिडेविट दिया है लोगों ने, एक नहीं हजारों लोगों ने फोन किए, एफिडेविट दिया है कि मेंबरशिप के नाम पर उनकी प्रॉपर्टी लिखवा ली गई। आगे बढ़ेंगी तो फिर उस आदमी को, और ये एफिडेविट है, ये एफिडेविट है मेरे पास, उसकी एप्लीकेशन है, ये प्रॉपर्टी है उसकी, मैं सब सामने रखूंगा, मैं आज नहीं रख रहा। कहते हो बेटी नहीं थी, तुम क्या जानो बेटी क्या होती है, बेटा क्या होता है,
ममता क्या होती है। कुर्बानी को अगर नहीं वो कर सकती तो इल्जाम मत लगाओ। बाप का कलेजा फट जाता है, ऊपर से एक बड़ी उदारता उन्होंने कल दिखाई और ये भी कहा अपनी पीसी ने कि मुसलमान मुझे बहुत पसंद करता है। हंसी तो आपको भी आई होगी, बहुत पसंद करता है इनको मुसलमान। क्यों पसंद करता है? इसलिए पसंद करता है कि कभी ये कहती है मुसलमान कट्टरपंथी, कभी ये कहती है मुसलमान गद्दार है, कभी ये कहती है कि मुसलमान जो दाढ़ी रखते हैं वो कुत्ते हैं, कभी ये कहती है नगर निगम मेरठ के चुनाव में। आज भी सबके पास वो रिकॉर्डिंग है, जब हाजी याकूब कुरैशी चुनाव लड़ रहे थे तो कहा उनको कि ये कट्टरपंथी हैं, ये कट्टरपंथी मुसलमान हैं। इसलिए मेरे बीएसपी के लोगों ने इनको ने वोट नहीं दिया, मेरे कहने पे बीजेपी को वोट दे दिया। इसलिए आपको मुसलमान पसंद करता है। लड़ लो ना नगर पालिका का चुनाव, जहां मुसलमान हो वहीं से लड़ना, जहां मुसलमान हो वहीं से लड़ना अगर पसंद करता है। आपको आपकी हैसियत मालूम हो जाएगी। अब एक हंसी वाली बात, सतीश मिश्रा अपनी दोनों बहनों से ज्यादा मुझे मानते हैं। अरे भैया आपका व्यक्तिगत मामला है, कौन किसी को बहन मानता है, क्या मानता है, ये आपके व्यक्तिगत संबंध है। ये पीसी में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है भाई, यहां मेरी तमाम बहनें बैठी हुई हैं तो ठीक, अच्छी बात है भाई। इसको मेरी मेरे मेरे बाप को लेकर के क्या कहने की जरूरत है? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं अभी नहीं कहूंगा। ये आगे आगे चलती जाए, मैं पीछे पीछे चलता जाऊंगा। अब मैं एक बात कहते हुए, ऑडियो टेप सिर्फ 2 मिनट का है, मैं सुनाना चाहता हूं, जिससे साबित हो जाएगा कि मेरे ऊपर मेंबरशिप का 1 पैसा भी बैलेंस नहीं है। ये केवल मनगढ़ंत झूठी कहानी है। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इनके लोग मुझे पता चला एक्शन में आ गए, जो इनका अपराधियों का गिरोह है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले, मेरा उनसे अनुरोध है। किसी भी पार्टी के हो, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं और मेरा उनसे अनुरोध है, हालांकि मैं डरता नहीं लेकिन एहतियात बरतना चाहिए। मेरे लोगों ने सलाह दी कि एहतियात बरतना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार, मेरी सुरक्षा का माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दें। कभी भी मेरे ऊपर सुश्री मायावती जी अपने गिरोह के लोगों से कहीं भी अटैक करवा सकती हैं, मरवा सकती हैं। हालांकि मैं मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन जब मेरे लोगों ने कहा कि नहीं आपको अपील करना चाहिए तो मैं उनकी सलाह पे अपील कर रहा हूं। मुझे कोर्ट से भी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी, सरकार में भी मिली थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वो मेरी सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम करें, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी जो थी उसको बहाल करें। चलाओ भाई, चलाओ।
ऑडियो। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी है, मंत्रियों ने विधायक को, हम अभी आप कॉपी दे देंगे। कुछ लोग हैं छोड़ी है, मंत्रियों ने विधायक को, हम अभी आप कॉपी दे देंगे। कुछ लोग हैं प्रदेश का आदर्श भैया जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा हूँ मैं, मित्तल जी हैं जी जी जी, भाई दे दीजिए, भाई दे हेलो भाई जी, भाई मैं ये कह रहा था कि बेमत सिंह की किताबें व्यक्तिगत मेरे पास तो और कोई है नहीं है, वो तो मिल गई, वो मिल गई आपको? हाँ हाँ, क्योंकि कटी नहीं थी इसलिए मेंबरशिप का पैसा मिलने, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर तो कोई है नहीं कि अब कहीं कोई रिकॉर्ड, मैंने व्यक्तिगत तो ली नहीं, और नहीं नहीं वही थी आपको मिल गई सब? हाँ हाँ, वो तो आ गई थी, जो बात तो बात हो गई है। अच्छा, तो मेरे पास फिर कोई रिकॉर्ड नहीं, फिर मैं खत्म कर रहा हूँ इसको। हाँ, तो कोई जी, अरे और नगद चाहिए थी, कहे थी बताइए। अरे बदली बात नहीं है, हाँ तो मैं अभी बाहर हूँ, मैं आता हूँ भाई, तो मैं उसको बुला करके मैं कहता हूँ, मैं इधर बांदा रहूँ। हाँ, मेरे ऊपर तो नहीं है कोई, मेरा सब क्लियर हो गया। हाँ हाँ, ठीक भाई, ओके ओके भाई जी। मित्तल जी, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय के प्रभारी, सारा हिसाब उन्हीं के पास रहता है, श्री राम अवतार मित्तल खुद कह रहे हैं कि एक पैसा बकाया नहीं है, और मायावती जी क्या कह रही है कि मैं लेकर के भाग गया और मुझे कार्यालय में जमा करना चाहिए था, मुझे कार्यालय में जमा करना चाहिए था अपने 50 करोड़ के अपहेद फिरौती की बात को छिपाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी रच रही है, मुझसे फिरौती मांगी गई है, और एक आदमी से मेंबरशिप, एक आदमी का पैसा नहीं खाया गया, यहां चौकीर आदमी साहब बैठे अच्छू भाई, इनके 72 लाख जो है इनका इनका मेंबरशिप के नाम से खा लिया गया। प्रमुख जी कहां गए? प्रमुख जी है ये राम नरेश जी, कितने 75 लाख मेंबरशिप के नाम से इनका जमा करा के खा गए, कैसे किस बात पे खाए थे, सुन रहे हैं आप लोग? जमील भाई ये कुर्सी से इनका टिकट हुआ था भाई, कितने आपके खा गए है? पैसे में ही तो मुझे फिरौती मुझसे मांगी गई, बात तो वहीं से शुरू हुई, मिश्रा जी ने भी वहीं से शुरू किया। मिश्रा जी कहते हैं कुछ लोगों से काम कराने के लिए सरकार बनने से, चुनाव से पहले मैंने ले लिया, और जब सरकार नहीं बनी तो उन्होंने दबाव डाला कि पैसा वापस दें, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा था। लेकिन मायावती जी क्या कहती है? वो नहीं कह रही है, जो मिश्रा जी ने कहा वो नहीं कह रही है, वो कह रहे हैं मेंबरशिप का पैसा था। अच्छा तालमेल है बहनों में, भाई में बड़ा अच्छा तालमेल है भाई। जी क्या आप कोई पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी? देखिए अभी हम उनके साहब, मेरा सवाल पूरा हो जाना चाहिए। हाँ जी, क्या कोई पार्टी बनाएंगे आप या पार्टी में शामिल होंगे, ये पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल ये है कि अभी बेटी की बात चल रही थी, बेटी प्यारी होती है, सबको प्यारी होती है, हमें भी आपको भी सबको भी,